कोई मतलब आपके साथ जैसे आप बता रहे हो बदतमीजी करते थे, परिस्थितियां थी, अभी करना पड़ जाए क्या पता, टाइम को तो पता नहीं लगता, अब भी हालात बन जाए कर दोगे, कर्ज करा देंगे, काम नहीं क्या करना, हम लोग कोई स्कूल में बच्चों की पढ़ाई देनी है। द लोकल न्यूज़ पर क्राइम स्टोरीज दिखाने का मकसद किसी अपराध या अपराधियों को बढ़ावा देने का नहीं है, बल्कि हम उनके साथ होने वाले गंदे बर्ताव और उनकी गंदी ज़िंदगी और उनके परिवार ने जो परेशानियां झेली हैं और वर्तमान में जो उनकी परिस्थितियां कितनी गंदी हैं वो सब दिखाकर हम युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपराध की दुनिया में कदम ना रखें, उसका अपराध की दुनिया का अंजाम बुरा होता है। राम राम सारे भाइयों ने, थम देखन ला रहे द लोकल न्यूज और मैं थारा लोकल रिपोर्टर सुबोध भैया। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे आपको जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपके पसीने पूछने का भी वक्त नहीं मिलेगा जब तक आप स्टोरी पूरी देखोगे। नाम है सतबीर उर्फ पिप्पन। मैं जो कह रहा पिप्पन कदे कोई भाई वीरप्पन समझ गया, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सतबीर उर्फ पिप्पन की। जी नमस्कार। नमस्ते भाई। एक बार सारे मेरे दर्शक ने राम राम भाई। सारे दर्शक ने राम राम भाई। जय गौ माता की, जय श्री राम। सुनया जय गौ माता की, जय श्री राम। तमने गैंगस्टर ते राजनेता बनते देखे होंगे, गैंगस्टर ते बिजनेसमैन बनते देखे होंगे। जो अपने साथ सतबीर और पिप्पन है वो गैंगस्टर से कैसे गो भगत बने, कैसे समाज सेवी बने, इस बारे में आज उनसे पूरी सलाह लेंगे, पूरी उनकी मतलब जीवन कथा है वो उनसे पूछेंगे। ऐसा क्या रहा था कि वो सबसे पहले 1990 में टाडा का केस उन पे लगा था, टाडा का केस सबसे पहले उन पे लगा था। जी हाँ, सबसे पहला केस आप नौरो भी लग रहे थे पर उस टाइम लगे थे 1990 में पांच साल। उसके बाद 1995 में बाहर आए। कौन सी जेल में गए थे? तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में। और 1995 में आने के बाद फिर क्या करा आपने? फिर 95 में फिर चलेगा। फिर क्या कांड हुआ? फिर एक मर्डर हो गया था गांव में। अच्छा, मर्डर। अच्छा, उसके बाद फिर आप जेल में गए? फिर जेल में चला गया। उसके बाद कब आए? फिर 2009। अच्छा, फिर दोबारा फिर मर्डर कर दिया 2009 में ना, फिर 2002 में फिर चला गया। देख लो मतलब आदमी ने एक के काम रह गया था, जेल में जाना, बाहर आकर मर्डर करना, फिर जेल में जाना, फिर मर्डर करना, और कोई इनकी दिनचर्या नहीं थी। जेल में तो बाहर आने के बाद जेल में क्यों कर्जी लग गया होगा कि भाई बाहर जाते आदमी मारना है। इतने दिन बाहर रहा था, इतने दिन भीतर रहा था। इतने दिन मतलब ये बाहर रह गए थे और इतने दिन भीतर रह गए थे। भीतर पता नहीं क्यों कर्जी लग गया होगा भाई, कद बाहर जाऊंगा, कद फलाने आदमी का एनकाउंटर करूंगा, कद उसने ठोकूंगा, और फिर बाहर आंदे फिर कार्रवाई करनी और फिर उल्टा भीतर जाना। अच्छा, 2003 में फिर गए आप? फिर साथ में निकल था। टोटल कितने केस लगे? 34-35 मुकदमे हैं मेरे। 34-35 मुकदमे? 34-35 मुकदमे हैं। मर्डर के कितने होंगे? खत्म हो गए, 3-4 थे खत्म हो गए सब। और अटेम्प्ट टू मर्डर सब खत्म हो गए, घने मामले थे। अच्छा, डकैती के भी? डकैती के तो नहीं थे पर वैसे लगा देते हैं, पुलिस तो लगा ही देती है 2-4। अपहरण के ना उसका भी था एक, वैसे तो एक केस अपहरण का भी था। अच्छा, मतलब आपने लगातार मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और छोटी मोटी डकैती में जैसे आप बता रहे हो पुलिस वैसे नाम लिखवा देती है। 2 साल में लाग लिए। अच्छा, 2 साल में? 92 में लाग लिए जो भी लगने थे। 30-35 जो केस थे 2 साल मतलब 20-22 जब हो गए, बाकी तो फिर सह चला गया, 2 साल लगे, 4 लगे, 6-5।
दो साल में 20-22 केस, मतलब कोई छिद्दा महीना ऐसा गया के केस ना लगता हो, ऐसा क्या हुआ जो आपको अपराध की मेरे भाई थोड़ा लगे तो कई इकट्ठे लग जाए ना, मतलब ऐसा क्या रहा कि आपने अपराध की दुनिया में कदम रखना पड़ा? भाई गांव में रंजिस भाई थे, आदमी मर गया था। अच्छा, मरिया कोई उसका लखवा रहा तक थोड़ी मारे गया, मारे गए लड़ाई झगड़े मर गया। अच्छा, परिवार के नाम कईयों के नाम आ जाते हैं। अब आप सभी केसों में बरी हो? सब केसों में बरी हूं। कब आया आप बाहर? मैं 2015 में आया। टोटल कितने साल आपने जेल काटी? मैं 18-19 साल में जेल काटी। 18-19 साल किन किन राज्यों में? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। टोटल 18-19 साल जेल में रहने के बाद फिर आपने 12 के क्या किया? 12 के हमारे ताऊ जी सुंदरदास साना जी थे, उसके नाम से अपना आश्रम बना था। आश्रम में गायें पाली, गायें ज्यादा होगी तो जो मेरे से जमीन थी उसमें गौशाला बना दी। अच्छा, एक आपके बारे में एक और सुनने में आ रहा है कि जब आप जेल में थे आपके, मतलब आपको मरिया हुआ दिखा के आपकी जो प्रॉपर्टी थी, किले थे, वो आपके भाइयों ने अपने नाम किसी और के नाम करवा दिए, वो क्या मामला था? वो था ऐसे ही, बताओ तो। मैं जेल में था, पीछे तो पिताजी गुजर गया, उनके नाम चली गई जमीन, वैसी कोई बात ना झगड़े की। अच्छा अच्छा, फिर आप 2015 में बाहर आए, उसके बाद आपने क्या काम धंधे? 2010 में मैं वो 9-8-9 में ये आश्रम बना था, फिर ये आश्रम 5-7 साल बंद रहा, फिर ये आगे फिर खुल गया था आश्रम, फिर गौशाला बन गया। देख लो भाई, मर्डर पे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, किडनैपिंग, और आते ही फिर उन्होंने ना वृद्ध आश्रम खोल दिया। ये ऐसा होता है जैसे पार्टीबाजी हो जाती किसी गाँव में, जैसे एक ना कर दिया, चेहरा के नाम लिखवाए गए, चेहरा के नाम लिखे, ऐसे होता ना जैसे गाँव को मानो मतलब रिश्तेदारों के नाम लिखवा देते थे, तो कई केस ऐसे होते हैं। अच्छा, हाँ, आपने वृद्धाश्रम अब आपका चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और क्या कर रखा है सर? गौशाला। गौशाला कितने एकड़ में? 1.5 एकड़ में। अच्छा, कितनी गौ रखते हो? अब मेरे पास 350 गाय है। 350 गाय, आप खुद संभालते हो? खुद संभालता हूँ और बाकी काम करने वाले भी संभालते, लेबर रहती है काफी साथ। मतलब आपने क्राइम की दुनिया में चले गए थे, आपने क्राइम किया, आपका नाम भी हुआ क्राइम में एक टाइम, दिल्ली में, हरियाणा में, तो आपने बाहर आके कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजनीति में जाऊं या मैं कोई राजनीति का मैटर ना दी, ना कोई बिजनेस वगैरह करने की सोची? ना बिजनेस क्या करना, नहीं कम, बहुत सारे गैंगस्टर होते ना जो बाहर आके बिजनेस नहीं कर। पहली बात तो क्या था, किसी की परिस्थिति हो जाती, जैसे परिवार होता, मेरे तो ना तो कोई परिवार, ना मेरे तो माँ बाबू थे। अच्छा, ना ब्याह शादी हो रही। आपकी शादी नहीं हुई? कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जब आपका पहला क्राइम हुआ आप उस समय कितने साल के थे? मैं था 21 साल का। अच्छा, फिर आपका लगातार जेलों में आना जाना लगा रहा, और आप शादी का जो आपका लाइसेंस था वो रह गया बनता बनता? रह गया बनता बनता, ही ना रहा, वही रह गया, काम कर रख दिया। अच्छा, आप चप्पल भी नहीं पहनते या अभी आपने निकाल रखी है? ना निकाल नहीं रखी है, मेरे पास काफी लेवर है। अच्छा, कोसा का दे, चाचा मेरी चप्पल टूटी मैं उससे दे दिया, दो चार दिन मैं नंगे पैर रह लिया। अच्छा, मतलब पर लगातार आप नंगे पैर नहीं रखते? वैसे कुछ ना, अभी मतलब बोल रखे कुछ पट रखे ऐसा कुछ ना। अच्छा, अब आप अपनी जिंदगी में मतलब कैसा महसूस कर रहे हो जब से आप समाज से? बहुत अच्छा। दोबारा क्राइम करने का मन नहीं करता? अगर क्राइम पहले भी हमने ऐसे नहीं किया, हम तो परिस्थितियों के बल पर, जैसे कि यहाँ आके कोई बदतमीजी करने लग जाए और मतलब ऐसे करने लग जाए, ऐसे हुए हमारे क्राइम, वैसे नहीं है, मतलब शौक में या कभी पैसे के लिए अपराध नहीं किया कभी भी मैंने, तो वैसा नहीं था मैटर। अब भी करते हैं अब कोई, मतलब आपके साथ जैसे आप बता रहे हो बदतमीजी करते थे, परिस्थितियाँ थी, अभी करना पड़ जाए, अब क्या पता टाइम का तो पता नहीं लगता, अब भी हालात बन जाए कर्ज करवा देंगे, काम में क्या करना, हमने कोई स्कूल में बच्चों की पढ़ाई देनी है। मतलब जेल में जाके कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, हाँ, और फिर आप बाहर कैसे मन लग रहा है आपका, अंदर अच्छा लगता है तो? या उससे ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हाँ, दोनों जगह अच्छी है, बहुत जगह। अच्छा, एक और सवाल आपसे, जो आप ये गो भक्त बने हो, ठीक है, आप गोरक्षक दल कोई संगठन से भी जुड़े हो? ना ना, संगठन से काम नहीं मेरा, अपना खुद की गौशाला सेवा करता हूँ, आसपास में जो आवारा गायें घूमती है वे वहाँ पर किसी टाइम भी कोई ले आओ या हम ले आते हैं,
उनकी सेवा करता हूँ। को बुजुर्ग अनाथ लाचार लावारिस बुजुर्ग हो वो आ जाए उसकी फ्री में हम सेवा करते हैं, सारा काम उसका वे कर दो। आज के समय में जो युवा बच्चे हैं, युवा हैं जो ये भड़काऊ गाने फिल्म देख के या गैंगस्टरों का जो उनकी लाइफ है चकाचौंध गाड़ी पैसा देख के जो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? तो क्या है, पहले तो दूसरी बात होती, फिल्मों में पहले अलग दिखाते थे भाई बदमाश बंद होता तो उन्होंने 20 साल बाद आकर देखूंगा, तो अब मैटर दूसरा चल रहा है दूसरा। अच्छा, अब ये जेड़ में बैठे हैं ये लोगों को, एक एक दो दो बच्चे हैं, उनको ये फोन पे दिखा के वो भाई भाई का करके उनको अपने बहकावे में ले लेते हैं, उनसे क्राइम कराते, उनकी आंख जब खुलती है जब उनकी जेल में बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तो नहीं, अपना अच्छी तरह दूर रहना चाहिए आप चीज़ों से, माँ बाप की सेवा करो, इससे बढ़िया अपने घर में रहो, इससे बढ़िया कोई भी वो नहीं है जी। तो आप सभी ने देखा मेरे साथ थे सतबीर खत्री उर्फ पिपन, और इन्होंने भी बताया इनका जो संघर्ष रहा है जेल में 18-19 साल इन्होंने बिताए हैं, और उसके साथ ही बाहर आने के बाद ना इन्होंने राजनीति में कदम रखा ना ये कोई बिजनेसमैन बने, क्योंकि बिजनेसमैन तो तब बनते अगर ये क्राइम में ना होते, क्राइम में ना होते, इनकी शादी होती, इनके बच्चे होते, इनका परिवार होता, तो एक तरह से इन्होंने सोचा माँ बाप भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई, ठीक है, इन्होंने इसलिए अपना गऊ को अपनी माता मान लिया इन्होंने, और इनका साथ के साथ वृद्धाश्रम भी चलाया हुआ है दिल्ली के अंदर। गांव कौन सा जी अपना? मेरा गांव कटेड़ा, दिल्ली 39, थाना बवाना। जी हाँ, इनका गांव में ही गौशाला है 1.5 एकड़ में, जहाँ बता रहे हैं 350 गौओं की सेवा करते हैं, और वृद्धाश्रम भी है इनका, 1000 गज के अंदर जो इनका वृद्धाश्रम भी है, और इन्होंने युवाओं को एक ही अपील किया युवाओं से कि क्राइम की तरफ ना जाएं। और कुछ भाई ये भाई अपने माँ बाप के पास रहेगा तो जो बाल पहले 5-5-7 बालक भी हो जाते हैं, अब तो एक बच्चा वो जेल में चला जाए, सारे माँ बाप भी परिवार भी परेशान, तो किसी के बहकावे में ना हो, भीतर की जिंदगी बहुत में रखी जिंदगी है, अपने आराम से रह लो, अपने घर रह लो, अपने घर के आदि के बीच में, इससे बढ़िया कुछ नहीं है जी। धन्यवाद, जय श्री राम। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।